साल 2 महीने से लगातार बेड पर पड़ी दुष्कर्म पीड़िता को 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बुधवार को सदर अस्पताल पहुंचकर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, डीसी शशि रंजन और एसपी अमन कुमार ने बच्ची की मां को चेक सौंपा। साथ ही एक कार्टून फल फ्रूट हॉलिक्स आदि भी दिया गया। बता दें कि 21 सितंबर को पीड़िता की मां विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा से मिली थी। जानकारी मिलने के बाद डीसी शशि रंजन और एसपी अमन कुमार ने इस मामले को काफी संवेदनशीलता के साथ लिया, जिसके बाद विक्टिम कंपनसेशन के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। डीसी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी राशि दी जाएगी। सदर अस्पताल पहुंचे विधायक और डीसी ने कहा कि एक बार बच्ची को रिनपास भेजकर इलाज कराया जाएगा। चिकित्सकों ने यह बतलाया है कि दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गई है, जिसके कारण उसकी हालत में सुधार नहीं आ रही है। रिनपास में इलाज के बाद पुनः बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने डीसी शशि रंजन से बातचीत करते हुए कहा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। क्या है पूरा मामला? 2 अगस्त 2021 को पिता के निधन के ठीक 18 दिन बाद 20 अगस्त को खूंटी शहर की एक बच्ची से दुष्कर्म और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बच्ची शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हुई। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ दिनों बाद छुट्टी दे दिया गया, जिसके बाद बच्ची अपने घर में ही बेड पर पड़ी थी। उसे राइल्स ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जाता है। यूरिन में समस्या होने से नली में कैथेटर लगा हुआ है। पीड़िता की गरीब माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा कर घर चलाती थी, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण उन्हें भी काम छोड़ना पड़ा। वो पैसों के अभाव में बेटी का इलाज नहीं करा पा रही थी। विधायक और जिला प्रशासन की पहल पर बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। और एक पेशेंट काफ़ी सीरियस है, उसे 1 साल से इलाज की कमी के चलते आज खाने पीने में भी उसको दिक्कत हो जा रही है। तो डीसी से या प्रशासन से कह करके कि उसको इलाज बेहतर इलाज के लिए उसको कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, तो प्रशासन ने यहाँ पर उसको 3 लाख रुपया उसके लिए सहायता राशि देने का काम किया है कि उस बच्ची का बेहतर इलाज हो। और उसके साथ ही जो हॉस्पिटल में कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे साफ सफाई है, साफ सफाई के क्षेत्र में हम लोगों ने डीसी साहब से भी कहा, और उसके बाद एक शौचालय है बगल में, वो शौचालय से इतना दुर्गंध इतना गंद आता है कि पेशेंट कल जब आए थे तो लोग कह रहे थे कि हम लोग इलाज करने के लिए आते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा तो हमको, लेकिन ये तो फिर और बीमारी को बढ़ाने का काम करेगा। और शौचालय के बारे में कह रहे थे कि हम यहाँ इलाज करा रहे हैं, इधर से गंद आता है, तो इसलिए उसके बारे में इससे हम कहा कि इसको ठीक कराइए और इसको भी जल्द ही शौचालय को भी ठीक कराया जाएगा, और उसके बाद साफ सफाई या और भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराएं, हॉस्पिटल से संबंधित, और निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बेहतर लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।